बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा हज़रत रबी बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत हसन से मुलाकात करने के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गई। तो जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गई, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हसन बसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने घर की छत पर रोते हुए देखा। आपके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश का पानी पर नाले से बह रहा हो। जब हज़रत रबी बसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हसन बसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये कैफियत देखी, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन फरमाया कि ए हसन, मत रो, तुम्हारा जो रोना है ये नफ्स की रुकनियत की वजह से है। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फिर फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो तो तुम्हारे अंदर आंसुओं का दरिया बह जाए और इस दरिया के अंदर तुम्हारा दिल डूब जाए, और अगर बाद में तुम अपने दिल को ढूंढोगे भी तो कभी भी नहीं तुम्हें मिल सकेगा। यानी इंसान को हमेशा अपने नफ्स से दूर रहना चाहिए और नफ्स की ख्वाहिशों से बचना चाहिए, तभी इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।